हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 10वां पार्ट लेकर आए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान 0 टू हाई लेवल। और इससे पहले कि 9 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप डाउन देख सकते हैं वीडियो। जो सभी 9 पार्ट हैं उनका टेस्ट लगा सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF फाइल भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे लिंक होगा 9 पार्ट के, और यहीं से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं 10वें पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 41 से है। गुब्बारे भरे हुए हैं, बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो गुब्बारे भरे हुए थे, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है या फिर क्लोरीन होती है या फिर सिफ्लोरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं कौन सा अपना आंसर करेक्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर ए, हीलियम इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, हीलियम इज द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? ऑप्शन ए है एच, ऑप्शन बी है एन ए, ऑप्शन सी है एच आई या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताइए, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? कौन सा इनमें से जो है केमिकल सिंबल जो है हाइड्रोजन का सिंबल है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला या फिर डी वाला? तो बताइए कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर ए, एच इज द राइट आंसर। ए इज द, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट और सेल्सियस पर एक ही तापमान दिखाते हैं। फारेनहाइट एंड सेल्सियस शो द सेम टेम्परेचर एट, किस पे दिखाते हैं? 38 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे या 98 डिग्री पे? बताइए कौन सा जो आपका सही रहेगा। ए ऑप्शन में है 38 डिग्री, बी ऑप्शन में 40 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में 98 डिग्री। फारेनहाइट एंड सेल्सियस शो द सेम टेम्परेचर एट। चलिए अपना आंसर चेक करते, करेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लैक होल पाया जाने वाला एक वस्तु है। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट टू बी फाउंड। जो ब्लैक होल है ठीक, वो किस में पाया जाता है? एयर में, बी वाटर में, सी स्काई में या डी नन ऑफ दीज। तो बताइए ब्लैक होल किस में पाया जाता है? एयर में, वाटर में, स्काई में या फिर नन ऑफ दीज? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो बताइए। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट टू बी फाउंड, ब्लैक होल जो ऑब्जेक्ट वो किस में पाया जाता है? एयर में, वाटर में, स्काई में? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, स्काई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, रोग बाइकोइटिस के साथ जुड़ा हुआ द डिजीज ब्रोंचाइटिस इज एसोसिएटेड विद ए आई, बी हार्ट, सी लंग्स या डी नन ऑफ दीज। तो द क्वेश्चन है द डिजीज ब्रोंचाइटिस is associated with A eye है, B heart है, C lungs है और D none of these, which one is the correct answer? तो बताइए कौन सा correct रहेगा। चलिए पहले answer check करते हैं। Correct answer is C, lungs is the right answer. Next question, दिल का दौरा किस बीमारी से जुड़ा हुआ? The disease heart attack is associated with एक पैर, दिल, फेफड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए the disease heart attack is associated with, यानी कि दिल का दौरा किस बीमारी से जुड़ा हुआ होता है? एक पैर या फिर दिल से जुड़ा हुआ था, फेफड़े से जुड़ा हुआ था, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, दिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या? द बोटेनिकल नेम ऑफ बनियान ट्री। बताइए बरगद का पेड़ का वनस्पतिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए वाला पिनस सबाबियाना या फिकस बंगालिसिस या फिर मंगीफेरा इंडिका या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। बरगद के पेड़ का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? चलिए अपना आंसर जो चेक करते, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बी इज द राइट आंसर, फिकस बंगालिसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी किलोमीटर में क्या है? द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन किलोमीटर। ऑप्शन ए है 384.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी है 295.6 मिलियन किलोमीटर और ऑप्शन सी है 149.6 मिलियन किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए बी सी या फिर डी। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है, हमारे पास चार डिस्टेंस दे रखे हैं, तो कौन सी जो है करेक्ट रहेगी। चलिए अपना आंसर चेक करते, करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर, 149.6 मिलियन किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में निहित है। द ओजोन लेयर लाइज इन द
ओजोन लेयर है वो किस में लाइक करती है? हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, मेसोस्फेयर, ट्रेस्पोस्फेयर, ठीक है, ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से आप पढ़िए, जो ओजोन लेयर वो किस में लाइक करती है, चार ऑप्शन है, चारों में से बताइए ओजोन लेयर किस में लाइक करती है, ए में, बी में, सी में और डी में, इन ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए कौन सा करेक्ट रहेगा। तो चलिए अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है, ए डिवाइस यूज टू मेजर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उस यंत्र का नाम बताइए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्रेनॉक डिवाइस, ठीक है, बेवामीटर या फिर एमएमीटर या फिर नन ऑफ दीज, ये सब आपको याद होने चाहिए, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, फिर सी वाला सही है, डी में तो नन ऑफ दीज हो गया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। एक उपकरण जिसका उपयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है, ए डिवाइस यूज टू मेजर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी, बेवामीटर इज राइट आंसर। बेवामीटर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके जो गुण है, यांत्रिक गुण है, उसको मापने के लिए बेवामीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ग्राउंड जीरो कहाँ है, वेयर इज द ग्राउंड जीरो? ग्राउंड जीरो कहाँ है, यूएसए में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है या डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। ए यूएसए, बी कनाडा, सी इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं, वेयर इज द ग्राउंड जीरो? जो ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लासिक्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, तो सही, चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर ए, यूएसए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से, व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ए भारत, बी रूस, सी चीन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं, व्हाट आर द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ए बी सी या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। हमारे पास तीन ऑप्शन है, ए भारत है, बी रूस है, सी चाइना है या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज बी, रूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो, विच इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड? ए कनाडा, बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे या फिर सी संघाई से ल्हासा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड? संसार में, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? चार ऑप्शन है, कनाडा, बी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सी संघाई से ल्हासा, डी इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर है वो चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स इन द हॉकी? ए 4, बी 11, सी 5 या फिर डी नन ऑफ दीज, विच वन इज द करेक्ट आंसर? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स इन हॉकी, बताइए। चार ऑप्शन है, चौथे को तो भूल ही जाइए, नन ऑफ दीज दे रखा, तीन ऑप्शन है, इनमें से बताइए, या फिर हो सकता है कि इनमें जो ऑप्शन दे रखे पांच भी ना होते हो, 11 भी ना होते हो, चार भी ना, तो तब इनमें हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज 11, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अस्थमा फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग किस प्रकार का है? अस्थमा इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स? ए लाइफस्टाइल है, बी डिफिशियंसी है, सी इंफेक्शन है या फिर डी एलर्जी है, एलर्जिक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताइए। अस्थमा इज द वर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स, ए लाइफस्टाइल, बी डिफिशियंसी और सी इंफेक्शन या फिर डी एलर्जिक, विच वन इज द करेक्ट आंसर, तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भगवान राम के राजा थे, लॉर्ड रामा वाज द किंग ऑफ, जो भगवान राम थे वो किसके राजा थे, कौन सा जो उनका वो था राज्य, किस किस के राजा थे, तो बताइए जनकपुर के राजा थे या फिर कलिंग के राजा थे या फिर अयोध्या के या फिर पाटलिपुत्र के, तो बताइए किसके राजा थे। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर इज सी, अयोध्या इज द राइट आंसर, तो भगवान राम किसके राजा थे, अयोध्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम बताइए, द नेम ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ए जनगणमन, बी वंदे मातरम, सी ए और बी दोनों या फिर डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम बताएं, तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है, बताएं ए है, बी है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, बी इज द राइट आंसर।
वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? वंदे मातरम। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट नेम है, समाचार पत्र है, पुस्तक है, क्या है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर इज समाचार पत्र, बी इज द करेक्ट आंसर। 59। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ लेंथ इन द नेशनल फ्लैग? ए ऑप्शन है 1:5:3, बी है 3:2, या सी है 2:3, या फिर डी नन ऑफ दीज। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या है? तो चलिए अपना आंसर चेक करते। करेक्ट आंसर सी 2:3 इज द राइट आंसर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 2:3। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में माना जाता है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ नेशन? ए अटल बिहारी जी, बी महात्मा गांधी जी, सी अमित शाह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है, ए अटल बिहारी जी, बी महात्मा गांधी जी, सी अमित शाह जी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना आंसर जो करेक्ट चेक करते हैं, बी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को उस उन बच्चों तक शेयर करें जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास सिक्स के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल दिशाएं कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि सैनिक स्कूल की जितनी भी जो क्लास रहेगी आपके लिए हम लेकर आएंगे और जो भी अपडेट रहेगी आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी और टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ, और हमारे चैनल, हमारे डिजाइन कोचिंग सेंटर के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें।